हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे लेसन 12 कंचा। कंचा एक छोटे से बच्चे अप्पू की कहानी है जिसको कंचों का यानी कि मार्बल्स का बहुत शौक होता है। वह नीम के पेड़ों की घनी छाओं से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, यों वह सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। मगर वह कुछ ना सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार के। तो ये बच्चा, छोटा सा बच्चा अप्पू, वो नीम के पेड़ की घनी छाँव से होता हुआ और सियार की कहानी सुनता हुआ मज़े लेता हुआ जा रहा था। चलते चलते उसका बस्ता हिलता था, डुलता था और चारों तरफ झूमता खनकता था। उसकी जो स्लेट थी वह कभी शीशे से टकराती तो कभी पेंसिल से, पर उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसका जो सारा ध्यान था कहानी पर टिका हुआ था। उसे यह कहानी बहुत मज़ेदार लग रही थी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। तो ये जो सियार और कौवे की कहानी तो हम सब ने ही सुनी है। कौवे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था, सियार को रोटी का टुकड़ा चाहिए था, तो उसने कौवे की थोड़ी सी तारीफ कर दी और कौवा तारीफ में आकर गाना गाने लगा तो वह रोटी का टुकड़ा गिर गया और सियार उस रोटी के टुकड़े को उठाकर भाग जाता है। वह जोर से हंसा, ये जो छोटा सा बच्चा है ये जोर से हंसा और कहता है, कैसा बुद्धू कौवा है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। ठीक इस तरह बड़े बड़े जार अलमारी के अंदर एक लाइन से पड़े थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी उसे यह चीज़ें बराबर ला देते थे। तो जो दुकान थी उसके जो अलमारी में लाइन से बड़े बड़े कांच के जार के मर्तबान पड़े थे, उनमें किसी में चॉकलेट था, किसी में पेपरमेंट था, तो किसी में बिस्कुट था, लेकिन उस बच्चे की नज़र उन पर नहीं पड़ी, जो कि आमतौर पे बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों का शौक होता है, क्योंकि उसके पिताजी ये सारी चीज़ें उसे बाज़ार से ला देते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। तो फिर भी एक और जार के ऊपर उसका ध्यान आकर्षित हुआ और वह उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। उसे समझ आ गया था कि ये तो अभी अभी ला के रखा गया है, क्योंकि उससे पहले उसने इस जार को कभी भी नहीं देखा था। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक यह कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। तो कैसे कंचे थे, बड़े बड़े थे, सुंदर थे और कांच के कंचे थे और वह आंवले के जैसे देखने में लगते थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। लेकिन अब तक कहाँ थे, क्या पता दुकानदार ने इसे अंदर रखा होगा और अब इसे बाहर रख दिया होगा उसने। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। तो क्या हुआ, देखते देखते वो जो जार था, मर्तवान था, वो बड़ा होने लगा और वह आसमान की तरह बड़ा हो गया। तो ये जो बच्चा है वो भी उसी के भीतर चल गया, यानी कि वह अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में चल गया, अपनी मतलब वो कुछ ना कुछ सोचने लग गया है। वहाँ पे और कोई बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर अकेले ही उन कंचों के बीच अच्छा लग रहा था।
छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था, तो उसे इसकी आदत थी। वह कंचे चारों तरफ बिखरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। तो वो जब इमेजिनेशन कर रहा था ना, मन मन में सोच रहा था, तो वह कंचों को चारों तरफ बिखेर देता था और मज़े से खेलता था। तभी अचानक में उसे ध्यान मतलब उसका ध्यान टूटा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये दुकानदारी उसे कहता है कि तुम उस जार को नीचे गिरा दोगे। तो वह चौंक उठा दुकानदार की आवाज़ सुनकर। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। तो अब क्या हुआ, जब वो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आया तो जार वापस वही छोटा सा हो गया। अब वो कंचे भी वैसे ही नॉर्मल हो गए, तो वो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ चुका था। सिर्फ दो जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। अब सिर्फ दो ही जन थे, ये छोटा सा बच्चा और वो दुकानदार। और दुकानदार के चेहरे पर कैसी मतलब कैसी भावना थी, चिड़चिड़ाहट की। वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ था। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। तो ये बात दुकानदार ने कही कि तुम्हें जो चाहिए इस जार में से मैं निकाल कर दे देता हूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए कि कौन सा कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो, यानी कि अभी तक वो बच्चा खुद भी श्योर नहीं है कि उसे क्या चाहिए, क्या उसे कंचा लेना है या नहीं। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। और वो उसे स्कूल की घंटी सुनाई देती है, वो बस्ते को पकड़ता है और दौड़ जाता है। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे के बेंच पे बैठ गया। तो देर से पहुंचने वाले बच्चों को पीछे बैठना पड़ता है, इसीलिए वह चुपचाप उस दिन पीछे बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। तो ये सब अलग अलग बच्चों के नाम हैं, जैसे रामन, फिर उसके बाद मल्लिका, जॉर्ज, जो कि उसके क्लास में पढ़ते हैं। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। यानी कि जॉर्ज किसी भी लड़के को हरा सकता है कंचों के खेल में। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता, हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता था। अप्पू कक्षा की तरह ध्यान नहीं दे रहा था, तो जॉर्ज बीमार था, इसीलिए वह आज स्कूल में नहीं आया। और यह सब उसे मल्लिका ने बताया था, क्योंकि रामन जो उसके जो घर का रास्ता है, रामन के घर के रास्ते पे पड़ता था। और इन सब के बीच में जो अप्पू है वो कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37 यानी कि पेज नंबर 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बैंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घर में चूल्हे भी हैं, चूल्हे में भी।
यानी कि आज मास्टर जी क्या पढ़ा रहे थे, रेलगाड़ी के ऊपर चैप्टर। मास्टर जी बता रहे थे कि रेलगाड़ी भाप से चलती है, जो कि आप अपने रसोइयों घरों के चूल्हों से में भी देख सकते हो। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप का भी गाड़ी का मतलब, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। अप्पू के लिए तो रेलगाड़ी सिर्फ छुक छुक करने वाली रेलगाड़ी है, जो कि आमतौर पे बच्चे देखते हैं। भाप की गाड़ी का क्या मतलब, उसे क्या पता। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, वह रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। यानी कि अब मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बहुत ही विस्तार से बढ़ा रहे हैं। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वह दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे। यानी कि मास्टर जी इधर रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे ये जो बच्चा है अप्पू, वो अपने वापस कंचों की दुनिया में चला गया। अब उसके जो कंचे का जार था वो कांच का ना होकर लोहे का बन चुका है, यानी कि रेलगाड़ी के डिब्बे को वो कंचों का जार बना चुका है। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं, यानी कि ये जो चौक का टुकड़ा है वो उसके चेहरे पर कहाँ से आ गिरा, मास्टर जी ने फेंका। अनुभव के कारण, यानी कि उस बच्चे को समझ थी कि चौक का टुकड़ा चेहरे पर आकर गिरा है तो उसने कोई गलती की है, तो उसे खड़ा होना पड़ेगा। ये उसका एक्सपीरियंस था, अनुभव। और मास्टर जी क्या थे, बहुत गुस्से में। अरे तू उधर क्या कर रहा है, उसका दम घुट रहा था। बोल, वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा, वह अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है, उसकी घबराहट बढ़ गई। अब मास्टर अप्पू से पूछने लगे कि तू उधर क्या कर रहा है, और अप्पू का अब दम घुटने लग गया। मास्टर जी बोलते हैं बोलो, लेकिन वो क्या बोले, वो तो चुपचाप खड़ा है। फिर मास्टर जी पूछते हैं कि बोलेगा नहीं। इतने में वह अप्पू के पास पहुंच जाते हैं, सारी क्लास सांस रोके हुए उसी तरफ देखती है और उसकी घबराहट बढ़ जाती है। बच्चों नॉर्मल तरीके पे ये तो हम सब के भी क्लासेस में होता है। अब आगे मास्टर जी पूछते हैं, मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। अब तो मास्टर जी भी शुरू हो गए कि क्या पता इसने ध्यान दिया हो, तो ये जवाब तो उसको आता होगा, उसके मन के अंदर होगा, तो वह इस जवाब को बाहर निकलवा के रहेंगे। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जवान पर जवाब था, मतलब अब मास्टर जी को लगा कि अप्पू ये जवाब देने वाला ही है। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। अब अप्पू के मुंह से क्या निकलता है, कंचा। यहाँ तो मास्टर जी सोच रहे हैं कि वो अच्छा कोई जवाब देगा, सही जवाब देगा, उल्टा अप्पू क्या कहता है, कंचा। वह सकपका गए, यानी उनका तो माथा ही खराब हो गया। कक्षा में भूचाल आ गया, जैसा कि अधिकतर होता है। स्टैंड अप, मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, यानी कि उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, यानी कि जो पास वाली क्लास थी उसके टीचर ने भी दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी और फिर हंस पड़ी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। यहाँ पे अप्पू के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुबकने लगा, रोने लगा। वो पास वाली टीचर भी हंसने लग गई, पहले ही सब बच्चे क्लास में उसको देख रहे होंगे, तो
थोड़ी तो शर्म आती है ना, तो वो और जोर जोर मतलब सुबक सुबक के रोने लगा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका सब, और सारे बच्चे भी उसकी तरफ देख देख के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। अब बेचारा अप्पू क्या सोचता, हम सब भी ऐसा ही करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि इन सबको दिखाएंगे जो आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, इन सबको छोड़ेंगे नहीं। बस उसका एक ही उसका सहारा है, जॉर्ज, कि बस जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा, कंचे को देख या ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। तो अप्पू ने अब ये बदला कैसे पूरा करने का सोचा, उसने सोचा जॉर्ज आएगा तो उसके संग पर कंचे खरीदेगा, खेलेगा और किसी भी बच्चे को नहीं देगा, ये सारे बच्चों को कंचे देकर लालच आएगा क्योंकि कंचे कितने खूबसूरत है, और तब इसका बदला पूरा हो जाएगा जो आज उस पर ये लोग हंस रहे हैं। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछें तो, नहीं दे तो। अब फिर उसे शक हुआ कि कंचा पर वो खरीदेगा कैसे, क्या मांगने भर से दुकानदार दे देगा, दुकानों पर तो चीज़ बिक्री होती है, मांगने से थोड़ी मिलती है। फिर वो सोचता है कि वो जॉर्ज को ले जाकर दुकानदार से मांगेगा, क्या पता मिल ही जाए। फिर कहता है नहीं दे तो, अगर जॉर्ज के जाने पर भी नहीं मिला तो फिर क्या होगा, यानी कि अब वो बेंच पे खड़ा खड़ा वापस अपने कंचों की दुनिया में वापस चला गया और उसी बारे में सोच रहा है। किसी को शक हो तो पूछ लो, यानी कि ये बात वापस मास्टर जी पूछ रहे हैं जब उन्होंने अपना चैप्टर फिनिश करवा दिया होगा। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं, कि मतलब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, सब कुछ समझ आ गया है। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। अब यहाँ पे मास्टर जी कुछ और पूछ रहे हैं, लेकिन अप्पू महाराज तो ठीक अपनी ख्याली पुलाव वाली दुनिया में, अपने उसी कंचों वाली दुनिया में खोए हुए हैं, और ऊपर से वो सोच रहे हैं कि जॉर्ज को ले जाएंगे तो क्या दुकानदार कंचा नहीं देगा। अब उसका मेन मसला है कि वो कंचे को कैसे हासिल करें, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे, कि बाय चांस जॉर्ज को ले जाए दुकानदार फिर भी ना दे तो खरीदने पर कितने पैसे लगेंगे। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मीनी ने शंका का समाधान कराया, कई छात्रों ने यह दोहराया, यानी कि अब अलग अलग छात्र मास्टर जी से अपने अपने क्वेश्चंस पूछ रहे थे और मास्टर जी जवाब भी दे रहे थे। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। हूँ, पूछ लो ना, शंका क्या है, शंका जरूर है, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा। हाँ, तो अब मास्टर जी पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें कुछ शंका है तो पूछ लो, कि पूछ लो भाई पूछ लो। अब ये जो महाशय हैं, ये जो अप्पू महाशय हैं, इनके क्या शंका है वो मन मन में ही सोच रहे हैं। अप्पू को तो चैप्टर से कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी तो उल्टा प्रॉब्लम दूसरी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जॉर्ज को साथ ले जाएगा तो क्या दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, कि अगर बाय चांस दुकानदार फ्री में नहीं देता है तो पैसे लगेंगे, और वो कितने लगेंगे, क्या 5 रुपये में मिलेगा, 10 पैसे में, सॉरी क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में। अब पूरा टाइम अप्पू का मेन जो मुद्दा था, दिमाग में चल रहा था, वो थे कंचे, दुकानदार देगा कि नहीं देगा, अगर पैसे लेगा तो कितने लेगा। और यहाँ मास्टर जी उसे बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हें जो चैप्टर के बारे में जो डाउट्स है वो पूछ लो, क्या सोच रहे हो, पैसे। अब मास्टर जी पूछते हैं अप्पू से इतने में कि क्या सोच रहे हो, अप्पू के मुंह से क्या निकलता है, पैसे। मास्टर जी फिर पूछते हैं क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए। अब मास्टर जी को क्या पता है कि अप्पू के मन में किस बारे में ये सब चल रहा है, पैसे पैसे, तो वो पूछते कितने पैसे चाहिए और किसके लिए चाहिए। वह कुछ नहीं बोला,
हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? अब मास्टर जी पूछने लग गए रेलगाड़ी के लिए, तो उसने चुपचाप सिर हिला दिया। हम भी बहुत बार, हम लोग भी ऐसा ही करते थे कि हाँ में सिर हिला देते या ना में, लॉटरी हुई तो लग गई, हमारा कोई आंसर सही निकल जाएगा नहीं जानते हुए और हम बच जाएंगे। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, मास्टर जी खुद ही आगे आगे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। मतलब यहाँ पे चैप्टर में जवाब दिया जा रहा है कि अप्पू को रेलगाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो कंचा खेलने में इंटरेस्ट है और वो भी जॉर्ज के साथ। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वह ऑफिस जाकर जमा कर दें। तो बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपये इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। और बच्चों, अप्पू को सिर्फ कितने पैसे चाहिए कंचे खरीदने के लिए, 5 पैसा या 10 पैसा? यहाँ तो उसके पास 1.5 रुपये थे। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। अब मतलब चलो कम से कम मास्टर जी के पनिशमेंट से तो छुटकारा मिला। वह दफ्तर गया यानी ऑफिस में गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ, यानी कि क्लर्क बाबू बताते हैं कि एक एक करके लाइन लगाकर आओ। बहुत भीड़ थी, बहुत बच्चों को फीस जमा करनी थी। हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा, यानी कि बच्चे कह रहे हैं मैं पहले आया हूँ, और जिन्होंने फीस जमा करी है वो अपना बाकी पैसा भी मांग रहे हैं, लेकिन अप्पू दूर खड़ा रहा। रमन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, यानी अब अप्पू सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, यानी कि अप्पू सोच रहा है कि अगर वो जॉर्ज को साथ लेकर उस दुकान में जाएगा कंचे खरीदने तो वह उसे दे देगा ना फ्री में, शायद दे, कि क्या पता दे दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे। अगर वह दुकानदार फ्री में नहीं देता है तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे? हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? यह बात मास्टर जी ने पूछी। कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा, यानी कि अप्पू नहीं उठा, यानी कि उसने फीस नहीं जमा की है। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिंकचे थामे, उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया, यानी कि दुकानदार हंसा जब अप्पू उसके दुकान के सामने खड़ा हो गया, जैसे कि दुकानदार उसी के इंतज़ार में था। शायद दुकानदारों को पता ही होता है कि इतने सुंदर कंचे हैं, बच्चे ज़रूर खरीदेंगे, इसीलिए तो वह लेकर आते हैं चीज़ बेचने के लिए।
दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? यह जवाब दुकानदार ने दिया। कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने चाहिए, यानी अप्पू अभी डिसाइड नहीं कर पाया है। उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसे के? सब के, यानी अप्पू सारे पैसों के कंचे खरीदना चाहता था। अभी उसके पास 1 रुपये 50 पैसे हैं, जबकि दिन में तो वो सोच रहा था कि 5 पैसे 10 पैसे का ही कंचा आ जाएगा। तो सोचिए 1 रुपये 50 पैसों में कितने कंचे आ जाएंगे। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है, दुकानदार उससे पूछता है। यानी कि अब दुकानदार भी चौंक गया है। वह मैं नहीं बताऊंगा, यह बात अप्पू कहता है। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। तो दुकानदार ने सोचा कि सब बच्चों के लिए कंचे यही खरीदने आया होगा, सारे मिलकर खरीद रहे होंगे। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। यानी कि अप्पू जॉर्ज को छोड़ के किसी और को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर, यानी कि अप्पू को कंचे खेलने नहीं आते थे। यह बात भी अप्पू ही कहता है, तो फिर, कि नहीं भी आते तो क्या खरीदूंगा नहीं। कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। यानी कि अप्पू का जो धीरज है वो जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। यानी कि कागज की पोटली में दुकानदार ने उसे कंचे दे दिए। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। यानी अप्पू हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। अभी भी अप्पू का मन नहीं भरा था इतने सारे पैसों का कंचा खरीद कर। अभी उसे और कंचे चाहिए थे, पूरे के पूरे कंचे जो कि जार में थे। जार मिलता तो उसके छूने से ही वह कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वह सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1, 2, 3, 4, यानी कि सारे के सारे कंचे जो उसके गिर गए थे वह उन्हें इकट्ठा करने लगा। और इतने सारे कंचे थे उसकी हथेली में नहीं आ रहे थे, तो उसने क्या किया, स्लेट और किताब बस्ते से बाहर निकाला और उसके बदले उसने कंचे रख दिए। बच्चे इतने ही मासूम होते हैं। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर जाकर देखा, वह लड़का कर क्या रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है, क्योंकि यह बच्चा मासूम है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ड्राइवर को तो इसलिए गुस्सा आ रहा था कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छे है ना? अप्पू ने उस ड्राइवर को भी कंचा दिखाया। अप्पू इतना खुश था अपने कंचों से और उस ड्राइवर से पूछता है कि क्यों, अच्छे है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़ कर माँ के गले लग गया।
उसके लौटने में देर होती देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया, यानी कि अप्पू घर आ गया है। उसने स्लेट ये सब बाहर बेंच पे रख दिया जो कि उनके उसके हाथ में थी, और वह बड़ी खुशी खुशी माँ के पास आया, उनके गले लग गया और उसकी माँ को उसने अपनी माँ को बस्ता हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। वो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था। उसने गिना 1, 2, 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? यानी माँ पूछ रही है कि पैसे कहाँ से आए इतने कंचे खरीदने के। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, फीस के पैसे, इतने सारे कंचे कहाँ को लाए, काहे को लाए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर यानी कि अब उसकी छोटी बहन घर पर नहीं है, जिसके बारे में पाठ की शुरुआत में बात हुई थी। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वह सब पसंद करते थे, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? माँ कहती है कि नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो अप्पू नहीं समझ सका कि शायद उसकी माँ उसकी बहन को याद करके रो रही है। तो उसने पूछा कि क्यों, अच्छे लगते हैं ना कंचे, बड़े सुंदर? फिर वह हंस पड़ा जब माँ ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। और इस कहानी के लेखक है टी पद्मनानन। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि ये कहानी बहुत ही प्यारी है। इसमें बाल जीवन यानी कि बच्चों के जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण कैसे किया गया है। कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान को बाकी अन्य चीज़ों से ऊपर रखता है। वही खेलने का सामान यानी कि कंचे उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। वह उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, तो वह फीस के पैसों से ही खरीद लेता है। और उसके लिए यह जिंदगी जैसे कि रुक सी गई है। उसकी दुनिया जो है सिर्फ कंचे ही कंचे हैं। तो ये सबके संग होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी ज़रूरतें बहुत ही सिंपल होती हैं। हाँ, कभी कभी वो ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। अप्पू की ज़रूरत भी बहुत सिंपल थी, उसे तो सिर्फ वो कंचे ही चाहिए थे। तो आखिर उसने फीस के पैसे से उसे खरीद ही डाले। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।